सुंदरनगर की देहरी वृद्धाश्रम में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएसपी सुंदरनगर गुरुवचन सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से मिलकर उनका हालचाल जानने के साथ बुजुर्गों से आशीर्वाद दिया। इस मौके पर डीएसपी गुरुवचन सिंह आश्रम में वृद्ध बुजुर्गों के रखरखाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आज के युग में हम बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में रखने की नौबत पड़ चुकी है। उन्होंने इसे बहुत ही निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि हमें बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सुंदरनगर में वृद्धाश्रम में पीसी गुलेरिया के कहने पर विजिट किया तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम अप्लाई किया है। वैसा घर में भी व्यक्ति इतना मेंटेन नहीं रखता है जितना यहाँ मेंटेन किया हुआ है। और जिन लोगों ने इस संस्था को चला के रखा हुआ है और कुछ डोनेटर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तथा मैं स्थानीय लोगों को, समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ कि घर में कोई भी बुजुर्ग हो उसकी सेवा ऐसा करें जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, ताकि ये समय किसी के लिए ना आए, क्योंकि बुढ़ापा हर व्यक्ति के लिए आना है, ये सच्चाई है, सत्य है। तो सभी ऐसे संस्कार बच्चों में, बड़ों में होने चाहिए कि बुजुर्ग बच्चों पारिवारिक व्यक्ति की सोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए और जैसी जिसको जरूरत है उसके मुताबिक जो है उसके अनुसार काम करना चाहिए। सुंदरनगर से उज्जवल हिमाचल के लिए उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।